वेलकम बैक टू सोहरा मार्केट। सोहरा बेसिकली इसको चेरापंजी बोला जाता है। चेरापंजी का हेड क्वार्टर बेसिकली ईस्ट खासी का हेड क्वार्टर हुआ सोहरा। ये बेसिकली कल्चरल कैपिटल ऑफ खासी बोला जाता है इस जगह को। इस यहाँ पे हर कुछ है, रिवर्स है, वाटरफॉल्स है, हिल्स है। और अभी मैं आप लोग को उनका एक छोटा सा मार्केट वो आपको वर्चुअल टूर करा रहा हूँ। आपको पता होगा या कहीं पढ़े होंगे कि सोहरा के बारे में, यही जगह है जहाँ पे ब्रिटिश ने सबसे पहले ब्रिटिश क्रिश्चियन मिशनरी को भेजा था। आपको याद होगा नाम थॉमस जॉनस एंड हिज वाइफ अन्ना, वो आए थे और उसका मेन मकसद था कि यहाँ के जो खासी है उनको रिलीजियस कन्वर्टन क्रिश्चियन में करने का। तो इसी जगह से शुरुआत हुआ था खासी को, खासी लोग को कन्वर्ज क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का। इसके नाम का भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसका जो ओरिजिनल नेम पहले जो था वो सोहरा ही था, सोहरा, जिसे ब्रिटिश ने इसको प्रोनाउंस करता था चेरा बाय ब्रिटिश, और उसको फिर टेम्प्रोरी नेम से फेमस हो गया चेरापूंजी, जो हम लोग पढ़े हैं किताबों में लैंड ऑफ ऑरेंजेज। जो आप ऑरेंजेज देख रहे हो, इस जगह का नाम था लैंड ऑफ ऑरेंजेज, और उसे बाद में टूरिस्ट लोग काफ़ी ज़्यादा यूज करने लगे इस नाम को। सो हम लोग किताब में भी पढ़े चेरापंजी, बट इसको इसका अगेन इसका ओरिजिनल नाम पे कन्वर्ट किया गया। अब इसका फिर से नाम सोहरा ही है इस जगह का। मैं अभी आपको लोकल मार्केट दिखा रहा हूँ और आप इस वीडियो में देख सकते हैं यहाँ के लोकल लोग किस तरह दिखते हैं और वो किस तरह से खाना खाते हैं। सब्जियाँ आप देख सकते हो नॉर्मल, ठीक है। और ये मार्केट है, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मीट्स दिख रहा होगा। देखो आप देख सकते हो मीट्स, कुछ अजीब सा भी मीट है जो अजीब अपने लिए हो सकता है, बट सबका अपना अलग अलग खान पान है। सो वी शुड रिस्पेक्ट इट। सो ये उनके लिए है, ये लोग खासी लोग खाते हैं। तो ये काफ़ी फेमस है ये जगह, आप देख सकते हो। ये मांस मछलियाँ नहीं, मांस ही कह सकते हैं इसका, डिफरेंट टाइप ऑफ। और ये देखो एक अलग तरीका है जो थोड़ा मेनलैंड इंडिया से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है? घौड़ी। क्या होता है घौड़ी? इस जगह का अपना काफ़ी महत्व है एज ए जोग्राफिकल हिस्ट्री। आप कल्चर आप पढ़ोगे इस जगह की हिस्ट्री के बारे में, ट्राइब्स के बारे में, और कैसे यहाँ आए तो पता चलेगा खासी। और ये जगह है उनका कैपिटल रीजन है इस जगह, और ये छोटा सा ही मार्केट है, बट इसके आसपास जितने भी फेमस जगह हैं चेरापंजी में सारा यहाँ पे है। लाइक डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, नहुखाइलिकल हॉल्स, मौसमई केव्स, और जो भी थ्री लेयर वाटरफॉल्स हैं वो भी यही है, यही जगह है। कम गाइज वेलकम बैक। सो आई एम शोइंग यू द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड और या हाइट इट अप, यू कैन जस्ट रोटेट द कैमरा। ओके
ये देख सकते हो वाटरफॉल, थ्री सॉर्टेड लेयर है, डिफरेंट फॉल्स हैं और तीनों एक तरफ से आ रहे हैं। इस जगह से व्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा है, जो आप नीचे जाने पे वो इस तरह से व्यू नहीं दिखेगा। वन लेयर एक एक करके है, डिफरेंट लेयर, और काफ़ी प्यारा सा व्यू। आपने देखा कितना प्यारा सा वाटरफॉल है। अब देखो ट्रैक्स हम लोग जा रहे हैं, एक सीढ़ी की तरह है जो ऊपर से नीचे की तरफ ले जा रहा है, उस वाटरफॉल के नीचे की तरफ। बेसिकली ये शॉर्टकट रास्ता है जो हम लोग ले रहे हैं, बट यही एक वनली शायद आई थिंक रास्ता होगा। मैं ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, बट सारे लोग जा रहे हैं तो मैं भी चल दिया इसी रास्ते होके। बेसिकली ज्योग्राफी वाइज ये जगह चेरापंजी के पास पे ही पड़ता है, और इसको आने के लिए आपको शिलोंग से 58 किलोमीटर का ड्राइव है, फिर हम ये जगह पे आते हैं। फिर ऊपर से व्यू पॉइंट आती है, वहाँ से ये ट्रैक्स अराउंड 400 मीटर का है, जिससे हम नीचे की तरफ जाते हैं, बट बेटर व्यू वहाँ से आता है। और आप नीचे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा व्यू आता है एग्जैक्टली। आप कमेंट में बताना कि ऊपर से ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है कि नीचे से व्यू आ रहा है।
मुझे तो ऊपर से ज़्यादा अच्छा व्यू लग रहा था। आप बताना आपको क्या पसंद आ रहा है, कौन सा व्यू ज़्यादा अच्छा लग रहा है। Here with us our trip leader Ali. He will explain about this place, about this beautiful place. Hi Ali. Hi guys. Hi Ratesh. So here we are at Way Southern Waterfalls, which is located in Cherrapunji, in the village called Lakdo. Way actually means casket, and Southern means actually square, but it's sometimes the local is like around. So it got its name like that only because of those three pools there, which looks like a swimming pool, round and oval shape. So that's the only thing. Okay. Thank you, Ali. How's the Josh? What do you want us to tell? Yeah! How's the Josh? What do you want us to tell? We'll tell. Ali, what's next plan? No more plan. So we are not going cave? We will go for caves only. From? From caves only. Caves only. Okay. From here, one hour. 1 hour drive and walking? Yeah, 20 minutes inside. So sunset, it will be nice view in sunset. So let's plan for morning. Today let's go for museum. Museum is very far, Dilshilam. Oh. So हम पहुँच गए हैं मौसमई कैव्स। अगर आपको चेरापंजी में कुछ डिफरेंट एक्सप्लोर करना है लाइक वाटरफॉल्स, रेनबो फॉल्स के अलावा और जंगल्स के अलावा कुछ डिफरेंट, तो ये जगह है मौसमई कैव्स। ये काफ़ी फेमस जगह है। आप मार्केट देख सकते हो, लोकल मार्केट। आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ लोकल्स के द्वारा बनाया गया है चीज़ें आपको मिलेगा इस दुकानों में। आप ख़रीद सकते हो अपने घर वालों के लिए। How's the Josh? That moment that we are not giving you. Inside there is nothing, it's only this much height, you have to bend and go. Come. Height. I guess that only is there, I don't know. Okay. If you have missed something, Yeah, we are actually.
अदर कैबिन में जाने का तो हमें भी लिखे सब केस बेसिकली ये केव्स 6 किलोमीटर चेरापंजी से है। आपको ये जगह पे हम लोग जो अभी एक्सप्लोर किए हैं वो 150 मीटर ही हमें टूरिस्ट के लिए एक्सप्लोर करने के लिए दिया जाता है, जो विदाउट गाइड आप घूम सकते हो, बट इसमें काफ़ी लंबा है वो नहीं दिया जाता है टूरिस्ट को, बट आप स्पेशल परमिट से और स्पेशल गाइड के थ्रू आप जा सकते हो। और ये जो केव्स हैं ये काफ़ी ओल्ड हैं, काफ़ी डीप है, और मैंने उनसे बात किया था तो वो बता रहे थे कि लाइम स्टोन के थ्रू बना होगा। आप पढ़ा होगा आप लाइम स्टोन के बारे में, तो वो लाइम स्टोन से बना हुआ है। इट्स वेरी डीप एंड वेरी लॉन्ग, बट हमें जो है अलाउ सिर्फ 150 से 200 मीटर ही अलाउ किया गया, ज़्यादा लंबा नहीं किया गया, तो हम ये कर चुके हैं।